नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने चला रखी है अभी 1100 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए, जिसमें हम अब तक 7 भाग देख चुके हैं। ये है भाग 8वां। और दोस्तों देखिए, हम इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार आ चुके हैं और अब आने की इनकी उम्मीद है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों चलो तो हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसने कहा आधुनिक शब्द दो अर्थों में मध्यकाल से भिन्नता एवं और नवीन अहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा कि आधुनिक जो शब्द है वो दो अर्थों में मध्यकाल से भिन्नता और नवीन अहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। असंगत की पहचान कीजिए। देखिए, अब यहाँ से हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पहचान करेंगे कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। यहाँ पे भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के जनक है, बिल्कुल सही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है गद्य का आविर्भाव, तो ये भी बिल्कुल सही है। असंगत की पहचान कीजिए। भारतेंदु आधुनिक गद्य के जनक है, बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है गद्य का आविर्भाव, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त स्वचेतना है, तो ये गलत है। डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है वो स्वचेतना है, ये यहाँ पे असंगत है। दोस्तों भारतेंदु युग में कविता प्रधानतः ब्रजभाषा में लिखी गई, ये भी सही है, लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है। भारतेंदु जयंती कब मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, भारतेंदु जयंती मनाई जाती है 9 सितंबर को। भारतेंदु ने कब कहा हिंदी नई चाल में ढली? तो दोस्तों ये भारतेंदु जी ने 1873 ईस्वी में कहा कि हिंदी है वो नई चाल में ढली। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाल बोधनी इनकी पत्रिका है, ये इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए निकाली। दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने शोकाश्रु बंधु किसकी मृत्यु पर लिखा है? तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु पर लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। ब्राह्मण पत्र के संबंध में असंगत है, तो संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे, ये बिल्कुल सही है। मासिक पत्र था, ये भी सही है। कानपुर से निकलता था, ये तीनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1855 ईस्वी में निकलता था ये असंगत है, ये यहाँ पर सही नहीं है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कौन सी रचना अंबिका दत्त व्यास की है? तो गणेश शतक है, ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। भारतेंदु युग के कौन से कवि ब्रजभाषा के प्रबल समर्थक में खड़ी बोले को डाकिनी कहते थे? देखिए दोस्तों, भारतेंदु युग के राधाचरण गोस्वामी जी थे, ये ब्रजभाषा को प्रबल समर्थक करते थे, मतलब इसका समर्थन करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन खड़ी बोली को डाकिनी कहते थे राधाचरण गोस्वामी जी। आचार्य शुक्ल ने द्वेदी मंडल में कुल कितने कवियों को स्थान दिया है? तो 7 कवियों को स्थान दिया है द्वेदी मंडल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था? देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखने की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है उनका जो मूल नाम है वो महावीर शाह है। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक बने 1903 में, और सरस्वती पत्रिका है ये प्रारंभ हुई थी 1900 ईस्वी में। किसने कहा सरस्वती हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहा। बायरन के ब्राइडल नाइट का सुहागरात नाम से अनुवाद किसने किया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। किसने कहा स्वच्छंद रूप से खड़ी बोली पद्य का प्रयोग सर्वप्रथम श्रीधर पाठक ने किया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रीधर पाठक कृत उजड़ ग्राम की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है ब्रज। उपयुक्त में से कौन सी रचना हरिओद ने पहले लिखी? तो रसिक रहस्य है, ये इन्होंने सबसे पहले लिखी। प्रिय प्रवास की कथा कितने सर्गों में है? तो प्रिय प्रवास की जो कथा है वो 17 सर्गों में है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसके रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है, और ये बहुत ही अच्छी, हम इसको प्रार्थना के रूप में बोलते थे स्कूल में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी दोस्तों। और अब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ तो बच्चे इसको बोलते हैं, तो इसलिए मुझे ये याद है। गुप्त जी का पहला काव्य ग्रंथ है रंग में भंग। किस कवि को ब्रज कोकिल
कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है, तो सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि मैथिली कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है, विद्यापति जी को, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो आपको ये भी याद रखने वाली चीज है कि ब्रज कोकिल किसको कहते हैं, सत्यनारायण कवि रत्न को, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा छायावाद नवयुवकों के दिमाग का फितूर मात्र है। देखिए दोस्तों, कैसी बात कही है यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि छायावाद है ये नवयुवकों के दिमाग का फितूर मात्र है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यहाँ पे छायावाद का प्रवर्तक माना है पंत जी को। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पत्रिका में हुआ, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि छायावाद जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले श्री शारदा पत्रिका में हुआ और मुकुटधर पांडे जी ने किया, ठीक है दोस्तों। प्रसाद ने ब्रज भाषा में किस उपनाम से काव्य लिखा है, तो कलाधर के नाम से इन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में, जयशंकर प्रसाद जी ने। किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है, तो झरना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ये हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक है। इनकी रचना है जूही की गली, जो कि मुक्त छंद में लिखी गई है। सरोज स्मृति किस में संकलित है, तो देखिए दोस्तों, अनामिका फर्स्ट, अर्चना परिमल, इन तीनों में ये संकलित नहीं है। सरोज स्मृति है ये हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी है, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत के नाम से जाना जाता है। और ये निराला जी की कृति है, इनकी बेटी थी सरोज, उनकी मृत्यु पर ये निराला जी ने लिखी है। और इसका जो संकलन किया गया है वो अनामिका सेकेंड में किया गया है दोस्तों, ठीक है, आप इसको याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बाकी किस किस को ये पता था पहले से, वो मुझे कमेंट करके भी बताना कि मैडम हमें ये पता था। निराला ने किस छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है, तो कवित छंद है, इसको निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद कहा है दोस्तों। पंत ने अपनी माता को समर्पित कौन सा महाकाव्य लिखा है, तो सत्यकाम है, ये पंत जी ने अपनी माता को समर्पित किया है ये महाकाव्य, और उन्हीं के लिए लिखा है ये। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहते हैं, तो पल्लव है, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं। कौन सी रचना यामा में संकलित नहीं है, तो देखिए दीपशिखा है, ये यामा में संकलित नहीं है। निहार है, सांध्य गीत है, नीरजा है, ये यामा में संकलित है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थल क्या है, तो फर्रुखाबाद है दोस्तों। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसने कहा है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि महादेवी वर्मा है ना, इनके मुंह बोले भाई है निराला जी, तो इनके बीच में भाई बहन का संबंध था। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इनके कोई बहन नहीं थी निराला जी के, तो महादेवी वर्मा जी ने ऐसे ही पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि मुझ जैसे फक्कड़ को कौन अपने भाई बनाएगा, तो महादेवी वर्मा जी ने इनको तभी राखी बांधी, एक धागा बांधा और कहा कि आप मेरे भाई हो और आज से मैं आपकी बहन हूँ। तब से ये इनके मुंह बोले भाई हो जाते हैं और ये भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं दोस्तों। कितनी अच्छी बात है कि किस बात को प्रतिबंधित करने के लिए, यहाँ पे प्रतिबंधित करने की बात की गई है, यहाँ पे प्रगतिवाद को प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेज सरकार ने हैलेट सर्कुलर जारी किया था। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नाम से किसने लेख लिखा, तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। ओ जनमन के सजग चितेरे के रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन जी है। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, देखिए केदारनाथ अग्रवाल है, इनको अपूर्वा रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों, याद रखना आप इसको। और ये केदारनाथ अग्रवाल है ना, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है दोस्तों, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1913 में संपूर्ण साहित्य पर। और दोस्तों अगर आपको देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में शुरू से लेकर अब तक किस किस को मिला है, कौन कौन सी कृति के लिए मिला है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ज्ञानपीठ पुरस्कार की ट्रिक के साथ, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब उस वीडियो में से आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो अज्ञे जी ने किया है, और अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं दोस्तों, और केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आप याद रखना इन बातों को, ये छोटी छोटी बातें ना, ये आपको याद रखनी है, ना कि ये इनको रटना है, इनको बार बार रिपीट करना। मैं बोलती हूँ तो बोलते बोलते आप सुनोगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब मैंने ये कठिन गद्य के प्रेत है अज्ञे जी, ये कितनी बार बोला है कि आपको सुन के याद हो गया होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको।
तो आप ऐसे वीडियोस को बार बार देखोगे ना तो आपको सुनने से याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। किस सप्तक की भूमिका में लिखा है कि आज की कविता में व्यक्तव्य प्रधान हो गया है? तो दोस्तों ये लिखा है चतुर्थ में, ठीक है, चतुर्थ सप्तक में लिखा है। दूसरा सप्तक के कवि है तो रघुवीर साय है, ये दूसरे सप्तक के कवि है। नई कविता की आधारभूत संस्था क्या है? तो परिमल है। चांद का मुंह टेढ़ा में कितनी कविताएं संकलित है? तो 28 कविता यहाँ पे संकलित है चांद का मुंह टेढ़ा में। असंगत की पहचान कीजिए, रेत राग नंद किशोर आचार्य, सूर्य का स्वागत दुष्यंत, सुनो कारीगर स्वयं प्रकाश, उजाड़ में संग्रहालय चंद्रकांत देवताले। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी से प्रकाशित हिंदी की प्रथम रचना है तो ये है हिम तरंगणी। दोस्तों साहित्य अकादमी से प्रकाशित हिंदी की प्रथम रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिम तरंगणी है ये। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जी है, बहुत शानदार रचना है ये। कौन सी रचना बच्चन ने अपनी पूर्व पत्नी की याद में लिखी है? तो निशा निमंत्रण है ये, बच्चन जी ने अपनी पूर्व पत्नी की याद में लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। और देखिए दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा है वो चार भागों में लिखी है, तो उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इनकी आत्मकथा नहीं है, कभी पूछा जाता है कि कौन सी है, तो आपको वो भी याद करना है। कौन सा कवि प्रपद्य बाद में शामिल नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा है, ये प्रपद्य बाद में शामिल नहीं है। नलिन बिल्लोचन शर्मा है, नरेश है, केसरी कुमार है, ये यहाँ पे सम्मिलित है। कौन सी रचना ज्ञानपीठ से पुरस्कृत है? तो यामा है दोस्तों, ये यामा कृति है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला हुआ है इनको, तो आपको पता होना चाहिए कि यामा है ये किनकी है, तो ये महादेवी वर्मा जी की है, आप इनको याद रखना। किस रचना में पशु हिंसा विरोधी प्रवृत्ति है? तो बकरी बिलाप में है पशु हिंसा विरोधी प्रवृत्ति। वैशाल महात्यम के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कौन सा जोड़ा असंगत है? दोस्तों यहाँ पे जो जोड़ा असंगत है वो है पीयूष प्रभा जगन मोहन की है। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत निशान लगा दिया इसलिए क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब कि ये मैंने गलत लगा दिया, ये सही है यहाँ पे ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ये बिल्कुल सही है। बाला बोधनी भारतेंदु की, ये भी सही है। नागरी नीरद है, ये प्रेम घन की, ये भी बिल्कुल सही है। सरस्वती का प्रकाशन कब व कहाँ से शुरू हुआ? देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1900 से प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद से। आनंद अरुणोदय हार्दिक हर्षादर्श रचना किसकी है? तो दोस्तों ये है प्रेम घन की, ये यहाँ पे ये भी गलत निशान लग गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्रगतिवाद में किस काव्य रूप की प्रधानता रही है? तो मुक्तक की प्रधानता रही है। कौन सी रचना का काव्य रूप प्रबंध नहीं है? तो मानसी का। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो सत्यनारायण कवि रत्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा वो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह किसने कहा है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ विदेशी पराधीनता एवं प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति का काव्य है? तो ये नामवर सिंह ने कहा है, बहुत शानदार बात कही है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ विदेशी पराधीनता एवं प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति का काव्य है। कौन सा जोड़ा असंगत है? बाबरा अहेरी यज्ञ जी का है। मुक्ति बोध भूरी भूरी खाक धूल, ये भी सही है यहाँ पे। कुंवर नारायण ने नाव के पाँव, ये यहाँ पे गलत है, नाव के पाँव। धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, बाकी के ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक गलत है, कुंवर नारायण नाव के पाँव, तो ये यहाँ पे असंगत जोड़ा है। किसने कहा है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिकता है। कौन सा कवि तार सप्तक में संकलित है? तो प्रभाकर माचवे जी है, वो तार सप्तक में संकलित है, जबकि धर्मवीर भारती, अवधेश कुमार, प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये यहाँ पे तार सप्तक में संकलित नहीं है। इल्तियलम के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी है। कौन सी कृति रघुवीर साय की नहीं है? तो खुशबू के शिलालेख है, ये रघुवीर साय की कृति नहीं है।
हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरोध, ये तीनों इनकी कृति है। रघुवीर साय जी की निराला कृत कुकुर मुक्ता कविता किसमें संकलित है? तो निराला की जो कुकुर मुक्ता कविता है ये नए पत्ते में संकलित है। गुप्त जी का देशभक्ति परक काव्य ग्रंथ है, भारत भारती है ये गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का देशभक्ति परक ग्रंथ है। उर्दू में रस्सा उपनाम से किसने काव्य लिखा है? तो उर्दू में रस्सा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य लिखा है। किसने कहा कि फिर हिंदी नई चाल में ढली? देखिए दोस्तों, ये कहा है नामवर सिंह ने कि फिर से हिंदी नई चाल में ढली, ये नामवर सिंह ने कहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन इन्होंने कही है यहाँ पे। भाषाई चेतना किस युग की प्रवृत्ति है? भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है। कौन सा काव्य धर्म ईश्वर का विरोधी है? तो प्रगतिवाद है, ये धर्म ईश्वर का विरोधी है। प्रेम श्रृंखला से कितने काव्य सृजन किया? देखिए प्रेम श्रृंखला में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य सृजन किया है। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं को किसने अभिव्यक्ति दी है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है इन्होंने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी है इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं में अभिव्यक्ति दी है त्रिशूल उपनाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है मुकुटधर पांडे को। किसने कहा कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है? ये शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। कौन सा सर्ग कामायनी का नहीं है? काम है, संघर्ष है, निर्वेद है, आवेग नहीं है दोस्तों। कामायनी में टोटल 15 सर्ग है, आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है कामायनी। सरोज स्मृति किसमें संकलित है? देखो दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था कि सरोज स्मृति है वो अनामिका के भाग 2 में संकलित है। अनामिका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कौन सा कवि कौसानी से संबंध है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी है, ये कौसानी से संबंधित है। मुक्ति बोध है, केदारनाथ अग्रवाल है, यज्ञ है, ये यहाँ पे संबंधित नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत जी है। महादेवी वर्मा के किस काव्य में कौतूहल मिश्रित वेदना है? तो निहार में कौतूहल मिश्रित वेदना है महादेवी वर्मा जी के में। कौन सा काव्य मार्क्सवाद पर आधारित है? तो प्रगतिवाद है, ये मार्क्सवाद पर आधारित है। बसंती हवा किस संग्रह में संकलित है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसमें बसंती हवा संकलित है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ओ जन मन के सजग चितेरे किसके जीवन पर लिखी गई कविता है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल के जीवन पर लिखी गई कविता है, ओ जन मन के सजग चितेरे। धरती किसकी रचना है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। साक्षी रहे वर्तमान के रचनाकार कौन है? ये गिरजा कुमार माथुर जी है, साक्षी रहे वर्तमान के रचनाकार। कौन सा असंगत है? प्रभाकर माचवे, मेपल, अज्ञे इल्तलम, रघुवीर साय कनुप्रिया, नरेश मेहता महाप्रस्थान। दोस्तों ये तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन रघुवीर साय कनुप्रिया ये यहाँ पे असंगत है। लघु मानव एवं व्यष्टि समष्टि का काव्य किसे कहा गया है? नई कविता को लघु मानव एवं व्यष्टि समष्टि का काव्य कहा गया है। दोस्तों याद रखना इस लाइन को। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नया खून पत्रिका का संपादन किया है मुक्तिबोध जी ने। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कितनी नावों में कितनी बार इनकी रचना है अज्ञेय जी की, इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की पूरी ट्रिक वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें ज्ञानपीठ से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने ऐड किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो। किस पत्रिका का सिद्धांत वाक्य था, खल जनन से सज्जन दुखी मत होइयो हरिपद मती रहे? तो ये कवि वचन सुधा का सिद्धांत वाक्य था। किस आलोचक ने यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति एवं भारतीय धार्मिक संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न नई रचनात्मक ऊर्जा को भारतीय पुनर्जागरण माना है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है। तार सप्तक की भूमिका में किसने कहा कि ये कवि राही नहीं है, राहों के अन्वेषी है? तो ये अज्ञे जी ने कहा है कि ये कवि है, ये राही नहीं है, ये राहों के अन्वेषी है, ये तार सप्तक की भूमिका में लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा। किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए कितनी नावों में कितनी बार ये मिला है, ये अज्ञे जी की रचना है, इनको 1978 में मिला है। यामा को मिला है, ये महादेवी वर्मा जी की है। उर्वशी को मिला है, ये
उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। देखिए एक उर्वशी है जयशंकर प्रसाद जी की, वो चंपू काव्य में लिखी गई है, और ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुरुक्षेत्र को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। असंगत छाटिए अपने केवल धार अरुण कमल मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन ये है मलजय, कविता है कीर्ति चौधरी। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ पर लालटेन मलजय ये यहाँ पे असंगत है। दिनकर की कौन सी रचना महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है, तो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किस कवि की रचनाएं मधु श्रृंखला नाम से मिलती है, हरिवंश राय बच्चन जी की। काशी में 1870 में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। महाराणा प्रताप के जीवन पर लिखित हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, श्याम नारायण पांडे जी है, इन्होंने लिखी है हल्दी घाटी रचना, बहुत अच्छी महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य कृति कब प्रकाशित हुई, ये 1964 में प्रकाशित हुई दोस्तों। वह तोड़ती पत्थर किस काव्य संकलन में संकलित है, तो ये अनामिका में है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और ये चारों रचनाएं जो ऑप्शन में दे रखी है चारों की चारों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, गीतिका, अणिमा, परिमल और अनामिका। वह तोड़ती पत्थर है ये अनामिका में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन किया है गद्यखंड और काव्यखंड इस रूप में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे बताया है, तो गद्य का आविर्भाव इन्होंने सबसे प्रधान घटना बताई है आधुनिक काल की। भारतेंदु युग में काव्य भाषा थी तो ब्रज भाषा थी दोस्तों। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। किसने कहा आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतना, तो ये धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा, और बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही है कि आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतनता। ठीक है दोस्तों, समस्या पूर्ति हेतु स्थापित रसिक समाज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कानपुर से इनका संबंध है दोस्तों। समस्या पूर्ति हेतु स्थापित रसिक समाज का संबंध, तो ये कानपुर से संबंधित है। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप ये जो मैंने अब तक जितने पार्ट डाल रखे इनको देखिए, और भी वीडियोज है जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की, आप वहाँ जाके देख सकते हो। हिंदी साहित्य के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 3000 क्वेश्चन मैंने करवा रखे, तो आप उनको देखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।